मरीन ड्राइव की खूबसूरती और बढ़ने वाली है। मरीन ड्राइव की लंबाई अब तकरीबन 98 किलो होने वाली है। कोइलवर से लेकर बख्तियारपुर तक आप गंगा के बीच से सफ़र कर सकते हैं। दरअसल मरीन ड्राइव यानी जेपी गंगा पथ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके सौंदर्यीकरण के कार्यों को देखने के लिए जब दीघा घाट पहुँचे तो उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस बीच जो काम कंप्लीट हो चुके हैं मुख्यमंत्री ने उसकी भी चर्चा की और जो काम निर्माण में है उनका मुख्यमंत्री ने समीक्षा किया। विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री को एक एक नक्शा दिखाते रहे, कागज पलटा जाता रहा और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम उन तमाम चीज़ों को बारीकी से देख और सुन रहे थे। नीतीश कुमार ने कई नए जो है टास्क दे दिया। मरीन ड्राइव का जो इलाका है जहां पूरे पटना कहेंगे बिहार की जान देर शाम तक बसती है, उन इलाकों को हरा भरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख पेड़ लगाए जाएंगे तो गंगा की पहचान और बिहार की महत्वपूर्ण त्योहारों को भी ध्यान में रखा गया है। छठ घाट का निर्माण कराया जाएगा, पार्क बनाए जाएंगे, साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा और तमाम वो व्यवस्था मरीन ड्राइव पर यानी गंगा के किनारे कर दिया जाएगा जो आने वाले पीढ़ियों को हमेशा याद और उनकी ज़रूरत बन जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली है। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। फेज 2 के उद्घाटन के मौके पर, लोकार्पण के मौके पर ही मुख्यमंत्री ने यह बातें कही थी, लेकिन जब वो निरीक्षण करने पहुँचे उसके पहले विभाग के तमाम पदाधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। फिर नीतीश खुद निकल पड़े सड़कों का हाल जाने, गंगा पथ की स्थिति देखने के लिए। जेपी गंगा पथ का विस्तार अब बख्तियारपुर के करजान से भोजपुर के कोइलवर तक होगा। इसके तहत दोनों ओर तकरीबन 77 किलोमीटर तक का विस्तार होगा जिससे इसकी लंबाई बढ़कर 98 किलोमीटर हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में पूरी जो रिपोर्ट है वो विस्तार से दी। मुख्यमंत्री ने एकड़े मार्ग में अपनी बैठक की, उसके बाद वो जेपी सेतु पथ पर जो सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण और समीक्षा करने निकल गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दीघा घाट पहुँचे तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो काम है वो किया जा रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री अपने तमाम अधिकारियों के साथ एक एक स्थल पर पहुँचे, खुद निरीक्षण किया और कई सारे दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीदारगंज तक 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। जेपी गंगा पथ के दीघा गांधी मैदान के बीच का जो 7 किलोमीटर का क्षेत्र हरा भरा किया जाएगा, जिन 7 किलोमीटर पर आज पूरे बिहार की नज़र टिकी होती है, देर शाम तक लोग वहाँ रहते हैं और पूरा इलाका गुलजार होता है, उस 7 किलोमीटर के एरिए को ग्रीन जोन में बदला जाएगा। यहाँ छठ घाट भी बनेंगे, लोगों के टहलने घूमने फिरने से लेकर बेहतर सुविधाएँ विकसित की जाएगी। साइकिलिंग के लिए भी व्यवस्था होगी। इस इलाके में 90% हरित क्षेत्र जबकि 10% क्षेत्र को मूलभूत सुविधाओं से युक्त क्षेत्र में विकसित करने का फैसला लिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीघा घाट से लेकर गाय घाट, खाजे कला घाट, कंगन घाट होते हुए दमराहा घाट तक जाकर जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।